नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले IANS नेता ने दिल्ली के मतदाताओं के बीच एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 80% लोगों ने माना है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में ज्यादा सुलभ हो गई है। यही नहीं, लगभग 61% लोगों अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में भेजने की अपेक्षा सरकारी स्कूल में भेजने को तरजीह देंगे। IANS नेता ऐप ने 29 जनवरी को दिल्ली के मतदाताओं के बीच एक सर्वे किया था। इस सर्वे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के पिछले कई सालों में प्रदर्शन मापा गया था। सर्वे के मुताबिक 61% लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल की अपेक्षा सरकारी स्कूल में भेजना चाहेंगे। चुनावों में केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल को सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आप सरकार के प्रदर्शन पर जनता की राय जानने के लिए किया गया ये सर्वे दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में लगभग 40,000 नागरिकों की 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच मिली प्रतिक्रियाओं पर आधारित था। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों से सबसे ज्यादा संतुष्ट लोग नई दिल्ली, रोहिणी, विश्वास नगर, राजेंद्र नगर, बाबरपुर और बुराड़ी में पाए गए। हालांकि आपकी कुछ अन्य सीटों पर तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। आपके कब्जे वाली जिन सीटों पर सबसे ज्यादा असंतोष पाया गया उनमें त्रिलोकपुरी, घोंडा, बादली, मालवीय नगर है। वहीं आप सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों ने कुछ ऐसी राय व्यक्त की है। 80% लोग मानते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा आप सरकार में सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। सर्वे में सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के कब्जे वाली रोहिणी और विश्वास नगर सीटों पर भी लोगों में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा से खुश है। मोहल्ला क्लिनिक की व्यापक लोकप्रियता के बावजूद यहां आने वाले लोगों की संख्या कम है। सर्वे के दौरान 68% लोगों ने कहा कि वो एक बार भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए। वहीं दिल्ली में पानी और बिजली को लेकर मौजूदा सरकार के काम को लेकर लोगों से राय मांगी गई तो उनमें से लगभग 86% लोगों ने अपने घरों में बिजली की आपूर्ति पर संतुष्टि दिखाई है। वहीं लगभग 14% असंतुष्ट थे। सर्वेक्षण में कहा गया कि 76% से ज्यादा लोगों ने महसूस किया कि उन्हें आप सरकार की मुफ्त बिजली योजना से फायदा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।